sushla qotish qarorisi. Ha, sushini masalasi. Agar axircha deman bormi, yun SBN chekki, deb o'ylayman-ku. Yana im ayva kesh. Diota 16 butatmas approval is to base so'ngi verification at last rate. 30 km.

ऐतिहासिक इलेक्शन हुए थे अब हमें भी बहुत उम्मीद थी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद होम मिनिस्टर साहब ने इन इलेक्शन को एक ऐतिहासिक इलेक्शन बताया और ये भी बोला कि डी को इस तरीके से एम्पावर किया जाएगा कि वो ग्राउंड पर जाके जो है लोगों के काम करेंगे उनको वो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा वो एम्पावरमेंट होगी लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आते आते एक हडल है कहीं ना कहीं कुछ वजूहत हैं जो कि इनको ही पता है एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि वो क्यों नहीं जो है रोल आउट कर रहे हैं हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो हमारी एम्पावरमेंट है वो क्यों नहीं हो रही है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ऐसी ऐसा टाइम मिले जहां पे हम काम कर सकें जैसे अगर ये महामारी नहीं होती तो मैं रोज दूरों पे जाता जैसे कि ये इनकाउंटर्स जो होते हैं नहीं होंगे तो पीस होगा तो हम काम और ज्यादा कर पाएंगे तो पाइपलाइन में चीजें हैं एक बात और भी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ये अपील हो रही है कि मुग़ल रोड को खोला जाए क्योंकि जो मुग़ल रोड है ये एक लाइफ लाइन है पुछ और रजौरी के लोगों के लिए और शोपियान के लोगों के लिए जो पुंच और रजौरी के लोग हैं इस महामारी में अगर वहाँ कोई बीमार हो जाता है तो आप सोचें वो जम्मू के रस्ते आते, आते आते तो मर जाएगा वो इंसान अगर यहाँ से आएगा अगर मुग़ल रोड खोला जाए तो उसको दो घंटे लगते हैं वो पहुँचा सकता है अपनी जान बचा सकते हैं अपनी रिश्तेदारों की अपने चाहे चहितों की जान बचा सकते हैं और ये रोड जो है ये लोगों का रोड है इसको जल्द से जल्द खोला जाए मेरी अपील है एल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है होम मिनिस्टर साहब से मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसमें इंटरव्यून करें और ये मुगल रोड जल्द से जल्द खोला जाए देखिए मैं आज दौरे पे निकला हूँ जैसे कि पिछले बहुत चंद महीनों से मैं कंटिन्यू दौरों पे जा रहा हूँ गांव-गांव जा रहा हूँ देखने के लिए आ, क्योंकि जब तक मैंने सोचा कि जब तक काउंसिल जो है वो पूरी तरह से मज़बूत होगी तब तक मैं ग्राउंड रियलिटी तो देख लूँ कम से कम अपने आंखों से देखिए जब तक आप लोगों तक पहुँचेंगे नहीं जब तक आप गाँव गाँव जाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि लोगों के मसले क्या हैं तो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि लोगों की बहुत सारी मुसीबतें हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं गुर्बत बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो तीन मुद्दे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा उभर के दिख रहे हैं अगर वो पूरे हो जाएँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोगों के तो लोगों की मुश्किलें जो है कम हो जाएंगी कम हो जाएंगे उन तीन मुद्दों में बिजली सड़क और पानी जो बेसिक चीजें हैं ये तो देखिए लोग आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं लोग आपसे कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं लोग बेसिक फैसिलिटीज मांग रहे हैं अगर ये इलेक्शन हुए डीडीसी इलेक्शन हुए किस चीज के लिए हुए ये तो डेवलपमेंट के नाम पर हुए ना पूरी दुनिया में इसका बिगुल बजाया गया कि आज जे एंड के, के अंदर डीडीसी इलेक्शन हुए हैं ये एक ऐतिहासिक इलेक्शन है तो किस चीज के लिए हुए ऐतिहासिक इलेक्शन डेवलपमेंट के लिए जब लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखेगी ऑन ग्राउंड तो उनका विश्वास उठ जाएगा डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक सेटअप से भी उनका विश्वास उठ जाएगा आज अगर उन लोगों ने अगस्त पाँच के बावजूद जिस जिस दिन अगस्त पाँच हुआ उसके बावजूद अगर लोग बाहर आए लोगों ने वोट डाला तो एक उम्मीद से डाला इस उम्मीद से डाला कि जो उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं वो उनका अजाला हो उन मुश्किलों में कमी हो तो इनशाला मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो मैंने ग्राउंड में जो चीज़ें देख रहा हूँ जो नोटिस कर रहा हूँ खुद तो इस पर मैं भाजपा एक स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा एक प्लान भी बनाऊंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी कोलेब्रेशन में इंशाला दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ